चलो मजा मचो दादा। बिल्कुल मजामा, बिल्कुल मजामा। तो हाँ तुमने जो एटली बड़ी बड़ी मजा, वधारे मजा मांगी गया। बोलो दादा, शुरू करो शुरू आप। करूँ? हाँ हाँ आप करो, ओहो शुरू शुरू करो। बेन एस्ट्रोलॉजर हरीश भाई मोदी, जुहू लाक्टर क्लब ना, क्लब के सब भाई बहन सदस्य और जूम पर जो भी उपस्थित है, वो सब भाई बहनों को मेरे अभिनंदन। अभिनंदन इसलिए खास करके लाफ्टर क्लब को कि भाई कितना अच्छा प्रोग्राम करते हो आप, सुबह में शाम को ये इतने अलग अलग लोगों को बुलाते हो, अलग अलग कार्यक्रम करते हो। इस टाइम में जब ये डिफिकल्ट टाइम है, वे पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट इवन टू पास टाइम, तो एक अच्छा सा वेरी कंस्ट्रक्टिव, एक वेरी पॉजिटिव सर का आप कार्यक्रम देते हो और एक अच्छी तरह से लोगों का समय बीत भी जाता है। एक दो तीन महीने हुए बेन हंसराज, अपनी रेणु हंसराज, उसने मेरे को बुलाया था उसका कोई कार्यक्रम में, और बोला कि मेरे को सर, आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू कि वृद्धावस्था क्या होती है, वॉट इज ओल्ड एज, हाउ डज वन फील ड्यूरिंग ओल्ड एज। मैंने बोला, प्रवचन दिया, कुछ 1-1.5 घंटे का प्रवचन था, सबको बहुत पसंद आया और डिमांड आई। तो इसमें से मोदी साहब ने भी बोला कि क्यों नहीं लाफ्टर क्लब में आओ, आप उधर भी वही प्रवचन बोलो, दो ये अपना वृद्धावस्था के बारे में जो आप बोलते हो। अच्छा ठीक है, तो आज मैं थोड़ा व्यूज मेरे जो भाई, थोड़ी बातें मेरे खुद के अनुभव की बातें हैं, वृद्धावस्था क्या होती है, क्या होनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, कहाँ कहाँ संभालना चाहिए, वृद्धावस्था में क्या तकेदारी रखनी चाहिए, ये सब बातें ये करता करता हूँ। आज भी थोड़ी बातें मैं करता हूँ। कई लोग आप में से जवान है, वो तो बालक बात अलग है, जो वृद्ध है उनके साथ उनका खुद का भी अनुभव होगा, दे विल ऑल्सो नो एंड एग्री विथ मी और डिसएग्री विथ मी। जो भी है जवान है वो भी शायद दे ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि भाई वृद्धावस्था क्या होती है, ओल्ड एज क्या होती है, क्योंकि उनको भी एक दिन है ओल्ड एज होना है, उनको भी एक दिन, दे आर ऑल्सो प्रोसीडिंग टूवर्ड्स ए लाइफ विच विल ब्रिंग देम टू ओल्ड एज। ठीक है, उनकी भी उम्र तो बढ़ती ही है। बुड्ढों के बारे में बहुत सा कहा जाता है, अच्छा बुरा पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह कहा जाता है कि भाई ये तो बुढ़ा है, वो क्या करेगा, बुढ़ा है उसको छोड़ो, वैसा भी कहा जाता है। पर कभी कभी जो जो समझते हैं, अरे भाई उसके पास चला लो, उसको अनुभव है, ही नोज ही हैज सीन द लाइफ क्या है। तो क्योंकि सही बात है, बात यही कि जो बुढ़ा जिसको कहते हैं, बुढ़ा शब्द आया ही वृद्ध में से, वृद्ध वृद्ध मीन्स के जिसमें वृद्धि हुई है, वो वृद्धि फक्त सालों की नहीं, नॉट ओनली ऑफ इयर्स बट अनुभव की, ज्ञान की, जो एक्सपीरियंसेस, कई ठोकरे भी खाई है और वो अनुभव है, कई अच्छे अच्छे प्रसंग देखे हैं, बहुत देखा है जो वृद्ध ने उसकी लाइफ में, और ये प्रौढ़ता मैच्योरिटी आई है, तो ये वृद्ध उसे कभी कभी सीखना भी है, समथिंग टू लर्न ऑल्सो फ्रॉम हिज लाइफ एक्सपीरियंसेस, ये कर सकते हैं। तो शैशव देखा है उसने, उसने बचपन देखा है, उसने शैशव में विस्मय ताज्जुबी वो देखी है, उसने नई नई चीजें देखने की, नई नई चीजें समझने की, उसने यौवन देखा है जिसमें उत्साह होता है, एक एंथुसियाज्म होता है, एक एक पीरियड आता है कि जब उसका मन और उसका बॉडी दोनों एक उछलते हैं वगैरह, वो भी उसने प्रौढ़ावस्था भी देखी है। प्रौढ़ावस्था में एक जीवन में आती है ठरी ठाम होके स्टेबिलाइज होने की एक पीरियड, वो भी देखा है, और पीछे आती है वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था वृद्धावस्था मैं समझता हूँ क्षणपण का, ढापण का पीरियड है,
कि वेयर ही सेटल्स डाउन, सोचता है, बोलने से पहले सोचता है, काम करने की एक्टिविटीज वगैरह में सब में कंट्रोल करता है। तो एक सूरज दलाल ने बहुत अच्छी बात की वृद्धावस्था के बारे में ही। उसने कहा है कि वृद्धावस्था ये निशा सो नाखवानी अवस्था नहीं। कितना लोगों को वृद्ध होने तो ये नरम हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, कभी तो मैं गढ़ा हुआ, अभी तो मैं बुढ़ा हुआ, क्या नो नो नो। सुरेश दलाल से के वृद्धावस्था ये निशा सो नाखवानी अवस्था नहीं। वृद्धावस्था इतने केवल स्मरणों ने वागलवानी यादगिरी, ये याद है, वो है, ये तो, और ये याद करके करके टाइम गुजारना, वो समय भी नहीं है। वृद्धावस्था इज नॉट दैट ऑल्सो। वृद्धावस्था ताकि ताकि न मरण सामने जो अनु, कभी तो होगा, अभी मरण आएगा, अभी मौत देख के सामने देते हैं, अभी मेरे को कितना है, मैं तो बुढ़ा हो गया, कितना चलेगा, ऐसा नॉट दैट ऑल्सो। वृद्धावस्था इज नॉट दैट। वृद्धावस्था इज दुखी तो होते हैं। मैं सुरेश दलाल ने कहा कि ये नहीं है, कभी कभी देखो, लेकिन फिर भी होते हैं। नरसिंह मेहता ने कहा, नरसिंह मेहता बहुत दुखी हुए थे। नरसिंह मेहता जी साथ इतना एक ग्रेट राइटर, ग्रेट पोएट, ग्रेट फिलोसॉफी भी उसकी थी, फिर भी वो दिशा साधा का उसने कब बचपन में ही वॉज अनहैप्पी, बचपन याद करता था उसके बुढ़ापन में, और बहुत लिखा भी, गाया भी। उसने कहा कि उमरा तो डूंगर भया, क्या ही बचपन मेरा वृद्धावस्था आई, क्या मेरा गड़पड़ आया। उमरा तो डूंगर भया और पादर थया परदेश। फादर जो था गांव का वो तो परदेश, एजी बिटी से फॉरेन कंट्री, इतना दूर दूर लगता है, और घर का उम्र जो क्रॉस करके बाहर निकलना है वो तो जैसे कि डूंगर क्रॉस करना है, उतना जोर पड़ता है भी। तो ऐसे भी कई के हैं थे, लेकिन अच्छे समझने वाले लोग ये कहते हैं कि आई लव माई एज, मेरी जो उम्र है, आई लव माई एज, ओल्ड इनफ टू नो बेटर, old enough to better, young enough not to care, young enough not to care, experienced enough to do things right. ये अनुभव है जिंदगी का, आज मैं करता हूँ, समझता हूँ, गरे right करने का मेरा समय है, I have got that experience and that background. तो ये कहता है वो। कई लोग अकाले वृद्ध हो जाते हैं, untimely, they become old, prematurely. थोड़ी उम्र हुई है तो हाँ अभी तो मैं बुढ़ा हुआ, मैं बुढ़ा, तो दे आर पीपल वो बुढ़ापे में दुखी होते हैं, यौवन में भी दुखी होते हैं, यौवन में बुढ़ापा की प्रतीति करते हैं। तो जिसको यौवन है वो यौवन है, जवानी की प्रतीति होती है। इसलिए वृद्धावस्था एक मानसिक परिस्थिति है, इट्स ए मेंटल स्टेट ऑफ माइंड। शरीर तुम्हारा नरम हो सकता है लेकिन योर मेंटल स्ट्रेंथ कैन सर्वाइव एंड कैन बिकम, एंड सो लॉन्ग एज योर मेंटल स्ट्रेंथ इज अलाइव, मानसिक शक्ति तुम्हारी आई, तब तक समझो यू आर नॉट एन ओल्ड मैन, अब बुढ़े नहीं हुए तब तक। और समाज को भी समझना चाहिए कि ओल्ड पीपल आर नॉट यूजलेस, वो भी बड़े काम के हैं। अपने गुजराती में एक कहावत है, गरडा गाड़ा भरे, खेत में जीते गाड़ा अगर फंस गया ना कोई नली में नाल में, तो जवान लोग नहीं निकाल सकेंगे उसको, कैसे ये थे मनुवर करके कैसे निकालना, बुढ़ा है गड्ढा, उसको अनुभव है कैसे निकालना, किसको ये करना वगैरह करके, तो गरडा गाड़ा भरे अच्छी सी कहावत है, क्योंकि उनको अनुभव है अच्छी तरह से। बुढ़े भी, बुढ़े तो नहीं कहते, बुढ़े मैंने कहा ना तो अपभ्रंश है, वृद्ध शब्द का अपभ्रंश है। वृद्ध तो मैंने कहा कि जिसमें वृद्धि हुई है अनुभव की और एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, जिसमें वृद्धि हुई है वो वृद्ध है, उसकी कोठासूल होती है, उसमें प्रैक्टिकल सेंस होती है। तो ये तो ठोकरें खाई है उसने जिंदगी में, उसमें से अनुभव दिया है क्या करना क्या नहीं करना, वो उसने जवानी देखी है, बुढ़ापा भी देखा है, उम्र भी देखी है। कहते हैं
कि जो आके न जो जाके ना आई, जो जाके ना आई वो जवानी देखी है, और जो आके न जाए वो बुढ़ापा भी देखा है. He knows what can what is the past and he knows what is the future. ये सच्चा बुद्ध ये है कि जो घड़ाइल घड़ा कहिए ना घड़ा घड़ाइल है घड़ाइल उसको उसका घड़तर हुआ है इसलिए उसको घड़ा कहता है. They are the ones who have been trained and experienced. अंग्रेजी में कहते हैं कि the young man knows the rules. The young man knows the rules. The old one knows the exceptions. जानकारी तो यंग थी बहुत ही तुम्हारी पास, पर कहाँ वो जानकारी का उपयोग करना कहाँ नहीं करना वो एक वृद्ध एक बूढ़ा आदमी सीनियर पर्सन ही ओनली नोस. चाणक्य ने भी कहा है वृद्धों के लिए अच्छी सी बात. उसने कहा नशा वृद्ध नशा सभा यत्र संतीन वृद्धा, वो सभा है ही नहीं. दैट सभा इज नो गुड अंटिल देयर आर वृद्ध एक्सपीरियंस ट्रेन पीपल प्रेजेंट इन दैट. तभी तो सभा होती है, तभी तो सभा पूरी होती है. हम हमारे देश में हम लोग बात करते हैं, हमारा देश तो युवाओं का देश है, युवाओं का देश है. अरे भाई इतनी गर्मी रखो, इतना ही उत्साह रखो, इतना ही गर्व रखो कि हमारा देश वृद्धों का देश भी है. कि जितने ज्यादा वृद्ध है उतनी ज्यादा समझ भी है, वो भी समझ करना चाहिए. वृद्ध खाली एक फक्त युवाओं का देश नहीं हो सकता है. There has to be young people and old people also, experienced people also, जिनको अनुभव है, जो मुश्किल की चाहिए दिशा अच्छी सी बतला में अच्छी दिशा में दे जाए तुमको. देखो मैंने लिखना शुरू किया बुढ़ापे में एट दी एज ऑफ 60. मेघ बिंदु करके एक राइटर है बहुत बड़े घाटकोपर में, उन्होंने मेरे को बोला एट दी एज ऑफ 60, अरे मोहन भाई तुमने इतना अनुभव है, देश प्रदेश गए हो, इतना धंधा करते हो, ये करते हो वो करते हो, कितना अनुभव, व्हाई डोंट यू स्टार्ट राइटिंग. मैं बोला मैं एट 60 आई रोट माय फर्स्ट आर्टिकल एट दी एज ऑफ 60. टुडे आई थिंक देयर आर अबाउट 15 और 20 बुक्स दैट आई हैव रिटन. आई एम रिकॉग्नाइज्ड एज ए गुड, तो इनका ये है एज ए राइटर एटलीस्ट आई विल से इन गुजराती एंड इन इंग्लिश लैंग्वेज. देख लखना कितनी पुस्तकें ये थी वगैरह. तो ये बुढ़ापे में बहुत खुश होता है. हकीकत में मैंने तो देखा कि असली जीवन तो 60 साल के बाद ही शुरू होता है. बिकॉज अंटिल यू आर 60 देयर आर प्रॉब्लम्स यू हैव टू फेस विद. जवानी के प्रॉब्लम्स है, फैमिली मैनेजमेंट का प्रॉब्लम्स है, कमाई करने का प्रॉब्लम्स है, नौकरी करना धंधा करना ये करना वो करना वगैरह. एट 60 व्हेन एवरीथिंग हैज सेटल्ड डाउन then only you can think, then only you can do things that you have been wanting to do, then only you have the time and circumstances and atmosphere where you can feel being at home in doing what you want. ye hai kabhi main kehta hu ki bhai maine to chakli ki jawani dekhi, chakli ki jawani dekhi aur garud ka budhapa dekha, to main kahunga कि चकली की जुवानी से गरुड़ का बुढ़ापा अच्छा है. इट गिव्स यू मोर प्लेजर, इट गिव्स यू मोर सेटिस्फेक्शन इन लाइफ जो गरुड़ का बुढ़ापा आता है. तो ये है, कई लोग अलग विचार करते हैं. हमारे बेफाम हमारे कवि वो अलग विचार के थे. उन्होंने कहा बुढ़ापे के लिए उम्र के लिए उसने कहा कि बेफाम तो ये केतलो थाकी जो पड़ी, बेफाम तो ये केटलू था कि जो पड़ू नहीं तो जीवन नो मार्ग से घर से कबर सुधी. जिंदगी कितनी है, घर से कबर तक का इतनी ही इतना ही फैसला है, तब भी लोग थक जाते हैं, उसका कहना है. मैं कहता हूं कि जिंदगी वो थकावट नहीं है. लाइफ डज नॉट टायर यू आउट, इट एनकरेजेस यू. द मोर यू प्रोग्रेस द मोर एनर्जी यू गेट. एंड ये बुढ़ापे में उसका ये पूरा अनुभव और ये पूरी जो शक्ति प्राप्त की है वो काम में लगती है. जब तक शरीर की थकान भी करते हो, शायद बुढ़ापे कहते तो कि शरीर थोड़ा निर्बल हुआ, वीकनेस आई हो सकता है, पर जब मन थकावट हो गए, मन में थकावट आई, मन जरा थक गया तुम्हारा, तब समझो
के बरोबर तुम्हारी ओल्ड एज आई और तब तक वो वृद्धावस्था नहीं है, तब तक यू कंटिन्यू टू बी यंग. मेनी पीपल सूर्य दलाल वॉज वन मैन. सूर्य दलाल जानते हो ना, ही वॉज वन ऑफ आवर फॉरमोस्ट राइटर्स इन गुजराती, ग्रेट राइटर. Until the age of 78 or so, he was young. He was a young man. His ideas were young. His speeches were young. बोलता था इतना अच्छी तरह से, इतना सुंदर वो करता. उसने कहते हैं, उसने एक अच्छी बात कही है कि डोसो डोसी ने प्यार करे थे. अरे जुवान तो करता है हमेशा यो कोई जुवान लड़की को, लेकिन डोसो एक बुढ़ा बुढ़ी को प्यार करता है. तो प्यार करने का टाइम भी उसके हिसाब से इट वॉज दैट, कि प्यार करने का टाइम भी वही है, तब तुमको टाइम है. कई लोग खाली फॉलो वैनिटी अपने एक बुढ़ापे में, नहीं नहीं मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो जवान हूँ, नहीं उम्र में मैंने कहा मैच्योरिटी आती है. अकॉर्डिंग टू मैच्योरिटी यू विल बिहेव, योर बिहेव विल बी अकॉर्डिंग टू योर मैच्योरिटी. समझ आती है वगैरह. एक बात करूँ, हमारे एक धनजी भाई करके थे, धनजी भाई हमें धनजी दो को कहता, तो धनजी भाई विले पार्ले में थे. धनजी दो को कहता था, हमारे ट्रेजरर थे विले पार्ले केलोवी मंडल में. तो विले पार्ले केलोवी मंडल के ये जो मकान है सब हुई ना, एक कॉलेजेस हुई, एनएम कॉलेज हुई, बिची भाई कॉलेज हुई, ये थे वगैरह, जब कंस्ट्रक्शन में थी, ही वॉज इन चार्ज. वेरी गुड मैन, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने. उधर खड़ा रह के हेलो, एक मिनट दादा, एक मिनट. हाँ जी हाँ, आप लोग बीजो आवाज चालू थे गए तो आप चालू रखो, अने 10 मिनट का आईडी बंद हो से बद्दा पाछा आवी जो प्लीज. सबको रिक्वेस्ट है 10 मिनट में आईडी बंद होगा आप सब वापस आ जाइएगा प्लीज. दादा आप पाछा आवी जो पछी. हाँ ये गए वक्त ये, हाँ भले કઈ વખત મેં બંધ કરી દીધું, મને થયું કે બંધ થઈ ગયું, પતી ગયું કઈ કર્યું. અને કેટલાક મારા મિત્રો જે સાંભળે છે અત્યારે, તે પણ એમણે પણ બંધ કરી દીધેલું કે હવે પતી ગયું કરીને. સારું છે તો કે કહું દાદા, હું કહી દઉં છું બધાને કે 6:30-6:30 સુધી બંધ નહીં થાય. બધાને કહી દો 6 વાગ્યા સુધી આપ બોલશો, પછી કોઈને પણ પ્રશ્ન કરવાનો મોકો નથી મળ્યો. તો આજે આપને બધા પ્રશ્ન કરશે, આજે આપણે 6:30 સુધી બંધ નહીં કરીએ. મેં એ ધનજી ભાઈ કી બાત કરતા થા, ધનજી ધોકો કરકે કહેતા થા, બહુ મજબૂત આદમી થા ઓર કન્સ્ટ્રક્શન કિયા વગેરે, ખડા રહેતા થા, ખુદ ખડા રહે કે કન્સ્ટ્રક્ટર એક કોન્ટ્રેક્ટર સે કામ લેના, વો કરના વગેરે સબ. જો કે બીચ પર એક દુખો, એક सुबह में हम लोग चलते थे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, मैं चलता था, सामने से धनजी भी आया. किसी ने मेरे को बोला कि अरे आज तो धनजी भी का बर्थडे है, ही 70 इयर्स ओल्ड टुडे. मैं बोला चलो अच्छी भाई. मैं दौड़ता दौड़ता बड़े उत्साहपूर्वक गया धनजी भी के पास. अरे धनजी भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, अभिनंदन अभिनंदन, ऐसा करने को गए. बोला क्यों 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 भाई, धनजी भाई टुडे इज योर बर्थडे, यू आर 70 इयर्स ओल्ड. एकदम बोले नहीं, नो नो नो, आई एम नॉट 70 इयर्स ओल्ड, आई एम नॉट. मैं बोला 70 इयर्स तो हुए ना आपके. हाँ बट आई एम नॉट 70 इयर्स ओल्ड, माय स्पिरिट इज ऑफ ए 20 इयर ओल्ड यंग मैन, माय स्पिरिट इज स्ट्रांग. मैं बोला अच्छी बात है, तो सही बात है, 70 तो हुए ने. नहीं नहीं नो नो, अरे करते. बाजू में से एक लड़की जाती थी, लड़की, मैंने धनजी भाई को बोला, धनजी भाई अब पेली छोकरी जाए छे ने, एने जरा आंख मारो ने. हूँ आंख मारू, हूँ आंख मारू. मैं बोला तुम नहीं मारोगे, तुम 70 इयर्स ओल्ड है, इफ यू वेर 20 इयर्स ओल्ड तो आंख मारती हो तो क्या होता, 70 इयर्स ओल्ड है. तो ये खाली ऐसी कई लोग खाली एक इम्प्रेशन करते, एक मन में ये भाव ये रखते, मैं जवान हूँ मैं जवान हूँ. यू आर, let us say your age, behave accordingly. कौन कहता है, किसने कहा कि कौन कहता है कि बुड्ढे इश्क नहीं करते, आप में से भी कही है बुड्ढे मेरे जैसे, कौन कहता है कि बुड्ढे इश्क नहीं करते. ये तो ठीक है, हम तुम्हारी पर शक नहीं करते, कभी ने कहा है.
ये भी करता बुद्धि। तो ये संबंधों की एक प्रसन्नता बनाते बना के रखना, ये वृद्धावस्था का एक क्वालिटी होना चाहिए। एक दाम्पत्य जीवन है तो मीठा संबंध दाम्पत्य जीवन में फैमिली के साथ कितनी देते ये करता हूँ कि और कई कई बातें करनी चाहिए। मैं थोड़े सजेशन देता हूँ कि भाई क्या करना चाहिए इन द ओल्ड एज, कैसे रहना चाहिए, कैसा अपना स्वभाव होना चाहिए, कैसा अपना अप्रोच होना चाहिए, कैसा अपना एटीट्यूड होना चाहिए। पहली बात तो मैं ये कहूँ कि जितना बन सके उतना आत्मनिर्भर रहना चाहिए। यू शुड बी सेल्फ रिलायंट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट दैट यू कैन, डू नॉट डिपेंड ऑन अदर। जो अपना काम है छोटा सा ये तो बड़ा खुद करने की, जितना बन सके उतना खुद ही करना चाहिए। कई लोगों को बैठे बैठे अरे भाई यार पानी लाओ जो ने सुखा भाई पानी, व्हाई डोंट यू गेट अप एंड गेट योर ओन ग्लास ऑफ वाटर, छोटी छोटी बातें में। तो नो, बी ऑन योर ओन। यू कैन जाना है गार्डन में, जाना है कोई मेरी साथ आएगा तो क्या अकेला चल के जा सकता है, व्हाई डोंट यू डू इट, व्हाई आर यू नॉट इंडिपेंडेंट। तो ये बी इंडिपेंडेंट एज मच एज यू कैन, खुद का काम खुद ही करो जितना बन सके उतना। और शौक रखो वाचन का, वाचन न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही चाहिए लेकिन अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़े, वाचन करो वो करो। टीवी पर अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं वो भी देखो। कोई समारोह है फंक्शन से उसमें जाने की, चलो नाटक वो भी जाओ। ये जहां जाओ तुमको एंटरटेनमेंट मिलता है, तुम्हारा समय अच्छी तरह से आनंद में व्यतीत हो सकता है, उधर वो सब करो। शादियां में जाओ, शादियां में जाना चाहिए, ये सब करना, भजन कीर्तन किसी के अच्छे अच्छे प्रवचन आते हैं तो ये प्रवचन सुनने को भी जाना चाहिए। दिस इज व्हाट इज कल्चरल प्रोग्राम्स, कितने रास गरबा नृत्य वगैरह जाना चाहिए। यू दैट दीज आर ऑल पॉजिटिव एक्टिविटीज दैट यू शुड डू। एक मिनट जरा मैं पानी पी लूं। धार्मिक हो या नो, फिर भी मंदिर में जाना अच्छा है क्योंकि लोग मिलते हैं उधर, मंदिर में भगवान का दर्शन करो वगैरह, मन में शुद्धि आती है। लेकिन फिर भी अच्छे अच्छे लोग भी मिलते हैं तो ऑल दैट ये करना जरूरी है। दूसरे शौक भी संगीत का शौक रखो, संगीत अगर कर सकते हो तो करो, नहीं तो दूसरा का संगीत सुनो। संगीत अच्छे अच्छे खेल, चौपाट खेलना, शतरंज खेलना, कार्ड खेलना, समय अच्छी तरह से व्यतीत करना, ये ऐसी हॉबीज आई थिंक यू शुड कल्टीवेट। बेकार बैठना कोई जरूरी नहीं है, बट बी पॉजिटिव एवरीवेयर इन ऑल एक्टिविटी। काम काज जब तक करते हो, तुम्हारा काम काज, ऑफिस का काम काज है, धंधे का काम काज है, वो भी कर सकते हो तो जितना जब तक कर सको तब करना ही चाहिए। मेरी बात बताऊं, मैं 7:30 बजे ऑफिस में आता हूँ। आज भी ये पीछे टीवी है, ये है, बच्चों के साथ खेलता हूँ, ये करता हूँ और खेत में जाता हूँ 3 दिन तो खेत में अवे फ्रॉम हियर। तो ये तो एक अच्छी, तो ऑक्सीजन तो उधर है, कितना ऑक्सीजन है, चिकार है पूरा वन फॉरेस्ट प्लांटेशन वगैरह में। तो ये जिसके साथ जो व्यवस्था है जो है वो करनी चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। मैं बुढ़ा हो गया अब मैं क्या करूं, अब मुझे जाने की क्या जरूरत, वही चीज नहीं होनी चाहिए। यू मस्ट कंटिन्यू टू बी एक्टिव वन वे और द अदर। ये एक अच्छी बड़ी है, शारीरिक कसरतें भी करनी चाहिए। मैं सुबह में आधे घंटा कसरत करता हूँ और रात को भी आधा घंटा कसरत करता हूँ। करो, करनी ही चाहिए कि बॉडी को ये रखना है। यू मस्ट बी गोइंग मैजेस्टिक इन लाइफ, ये समझना चाहिए। रोना धोना नहीं, ढीला ढीला बोलना वो भी नहीं चाहिए। कभी कभी मस्करियां भी करते हैं, अब मगर कोई को वो डी गई रास्ते से, अरे कौन बुढ़ी लिपस्टिक करती है और कौन नहीं करती है, ऐसी ऐसी बातें कभी, अरे करो उसमें क्या क्या बिगड़ गया। ये बुढ़ापे में एक्टिव रहना वो एक सिद्धि बात है।
लाइब्रेरी में जाना, पढ़ना, लिखना, टेप रिकॉर्डर लेके भी घूमना, कहाँ कहाँ पढ़ते ये सुनते हैं। गुजराती में कहते हैं कि रुद्र ना डोंट, घर में कोती है कभी और मेरे को ये जो करते होने कि मेरे को ये लगा, मेरे को इधर दुखा बहुत है, पेट में दुखा, फलाना ढिकड़ा, nobody is interested in that। मुंह से हाँ 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 करेंगे बट nobody is interested। और सीधी सबकी बात तो ये है कि घर में घर है भाई, संसार है, तो कभी कभी घर की बहू है, बच्चे हैं वगैरह, कभी थोड़ा होता है पसंद ना पसंद होता है, तो इसकी बातें बाहर मत करो। और दूसरे बुढ़ों के साथ बैठना वो बरोबर है, बातें चीजें करो, हेल्दी कन्वर्सेशन, पर घर की बात, घर की तकलीफ तुम्हारी अंगत तकलीफें हैं वो उधर मत करो। जजे ना बजारे लई ने जक मतारा, जजे ना बजारे लई ने जक मतारा, सौनी पासे नमक छे मलम छे कोकनी पासे, सब नमक लेके ही बैठे हैं घर की बात इधर उधर के, तो नमक कर उसका तुम्हारा जो दुख है ये करने के लिए वो किसी के पास नहीं है। तो ये समझ लो तकलीफें है, होती है, तो जिसको जाए तो तकलीफ, मेरे को ये हो, अरे रास्ते में मुड़ा ने तो मेरे को इधर है उधर है, अरे नोबडी इज इंटरेस्टेड इन दैट, एवरीबडी इज इंटरेस्टेड टू टॉक टू यू ओनली इफ यू आर हेल्दी, इफ यू ओनली टॉक हेल्दी, इफ यू ओनली हंसी खुशी की बात करते हो वही पसंद है तुम्हारी, और तुम्हारा इलाज भी।